हाय एवरीवन, अभी आपको पता होगा जो सीजीएल का 2024 का एग्जाम होना है वो काफी टाइम है अभी आपके पास। अभी मतलब कि सितंबर में आपका पेपर होगा और अभी आपके पास काफी टाइम है। तो बेसिकली आपको जो स्कोर है, सेफ स्कोर, आपको कितना टारगेट लेके आना चाहिए कि मॉक में आपके इतने नंबर आ जाएं, आप 100% एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट तो कंफर्म आपकी है। अगर वो टीए की ही मिले बट आपको कंफर्म वो पोस्ट मिल जाएगी। आपका जो सेफ स्कोर है प्री में, अभी देखो प्री ही टारगेट कर रहे होंगे, अगर आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए प्रीलिम्स में जो मॉक दे रहे हो उसमें, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिगार्डिंग एसएससी जॉब्स स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इन सभी के से रिलेटेड। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए जो आप मॉक दे रहे हो एसएससी सीजीएल में, आप कितना टारगेट करोगे इतना हो जाए। अभी आपके 200 में से आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, बट आपका टारगेट होना चाहिए 155। आपका जो एवरेज है, मैं एक मॉक की बात नहीं कर रहा, जो आपका एवरेज है वो 155 जिस दिन हो गया, मतलब अगर आप पिछले 8 मॉक उठा लो, 10 मॉक ले लो, अगर पिछले 10 मॉक का अगर आपका एवरेज 155 आ गया पीवाईक्यू में और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट अगर थोड़े हायर साइड रहते हैं, थोड़े टफ साइड रहते हैं, तो पीवाईक्यू में अगर आपका एवरेज 150 से प्लस आ रहा है और सॉरी मॉक टेस्ट में 150 से प्लस आ रहा है और पीवाईक्यू में अगर आपका 155 और 160 तक जा रहा है और इससे कम नहीं हो रहा, 150 तो आप लेके ही आ रहे हो और आपका एवरेज 155 है, तो आपको कोई नहीं रोकेगा आपका सिलेक्शन लेने लेने से। ये आपका गोल होना चाहिए कि कैसे भी करके मेरा एवरेज पीवाईक्यू में 155 आना चाहिए और मॉक टेस्ट में एवरेज मेरा 150 के समथिंग रहना चाहिए, अगर मॉक टेस्ट हार्ड है तो। ठीक है, 150 आपको लेके ही आना पड़ेगा, उससे कम वैकेंसी कितनी भी आए इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी। 150 अगर आप यहाँ मॉक में स्कोर कर रहे हो ना, वहां थोड़ा सा और ज्यादा ही करोगे, उसकी टेंशन मत लेना, बट आपका टारगेट इतना होना चाहिए और ये सब सेफ स्कोर है। चाहे वैकेंसी 3,000 आए ना, तब भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और जो बंदा एवरेज इतना लेके आएगा ना वो मीन्स के लिए तैयार होगा, ऐसे ये ध्यान रखो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।